इन दिनों प्रदेश कांग्रेस में एक ही चर्चा है, वो है फिटनेस टेस्ट की। यहाँ कोई क्रिकेट टीम का नहीं, बल्कि राहुल गांधी के साथ चलने के लिए शारीरिक क्षमता में पास होना जरूरी है। पीसीसी में बीते दो दिन से इंटरव्यू का दौर जारी है, जिसमें 1000 से अधिक प्रदेश के यात्री चयनित होंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 5 दिसंबर को झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे में प्रवेश करेगी, जहां से यात्रा में भारत यात्रियों के साथ साथ प्रदेश यात्री भी शामिल होंगे। इनके लिए बकायदा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश यात्री के लिए साक्षात्कार हुए। कांग्रेस कंट्रोल रूम से इंचार्ज मुमताज मसीह, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय प्रभारी ललित तूमवार, राम सिंह कसवा और अन्य नेता प्रदेश यात्रियों के चयन के लिए आ रहे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार ले रहे हैं। इंटरव्यू में भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य समसामयिक विषयों और मोदी सरकार को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों से उनकी फिटनेस को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। इंटरव्यू में भी देखा जा रहा है कौन कितना शारीरिक रूप से फिट है और कितने दिन तक यात्रा में चल सकेगा। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा सुबह 5 बजे फ्लैग होस्टिंग के बाद शुरू हो जाती है। ऐसे में प्रदेश यात्री के चयन में इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि सुबह जल्दी उठने वाले अभ्यर्थियों को प्रदेश यात्री के तौर पर चयन किया जाए। आपको बता दें, प्रदेश यात्री के लिए करीब 2000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से मंगलवार को पहले दिन 500 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हुए। अब तक 2000 में से करीब 1000 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हो चुके हैं। प्रदेश यात्री के तौर पर 500 लोगों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपी जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को फोन करके सूचना दी जाएगी। इसके बाद प्रदेश यात्री भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में अतिथि यात्रियों का भी चयन हो रहा है। अतिथि यात्री केवल अपने अपने जिले तक ही यात्रा में शामिल हो सकेंगे, जबकि प्रदेश यात्री झालावाड़ से अलवर तक राहुल गांधी के साथ चलेंगे। प्रदेश यात्रियों की संख्या अधिक होने पर इन्हें जिला यात्रियों की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। आपको बता दें, विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, विधायक प्रशांत बैरवा, पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी समेत कई प्रमुख नेताओं ने भी प्रदेश यात्री के लिए इंटरव्यू दिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।